नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अयुगंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में राजस्थान में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो वो किस चीज़ का नोटिफिकेशन है? राजस्थान फायरमैन रिक्वायरमेंट 2021, यानी जिस भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे राजस्थान फायरमैन और राजस्थान असिस्टेंट फायर ऑफिसर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो आपका जारी हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान फायरमैन का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, राजस्थान फायरमैन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, राजस्थान फायरमैन की आपकी सैलरी क्या रहेगी और राजस्थान फायरमैन का सिलेबस क्या होगा। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट फायर ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट है वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में आपकी? आज RSMSSB फायरमैन एंड असिस्टेंट फायर ऑफिसर वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन वो भी हाल ही में जारी किया गया है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी RSMSSB ने असिस्टेंट फायर ऑफिसर और फायरमैन के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार RSMSSB ने असिस्टेंट फायर ऑफिसर और फायरमैन के 629 रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 18 अगस्त से 16 सितंबर तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से RSMSSB में RSMSSB फायरमैन वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम राजस्थान फायरमैन एंड AFO यानी असिस्टेंट फायर ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपोर्टेड डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान AFO और फायरमैन के वैकेंसी डिटेल के बारे में। अगर बात करें तो TSP में अगर बात करें असिस्टेंट फायर ऑफिसर की पोस्ट की, जो नॉन TSP में, तो 27 पोस्ट है और TSP में 2 पोस्ट है। फायरमैन की अगर बात करें तो नॉन TSP में 581 पोस्ट है और TSP में 19 पोस्ट है। तो इस तरह से टोटल 629 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन वो मांगे गए हैं। चलिए बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो आपकी ये नॉन TSP की पोस्टें हैं जो शुरू में बताई जाएगी। जनरल की 211 पोस्ट है वो फायरमैन के लिए है, 12 पोस्ट है वो AFO के लिए है। EWS की फायरमैन के लिए 58 पोस्ट है, असिस्टेंट फायर ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट है। OBC की 122 पोस्ट है वो फायरमैन के लिए है, 5 पोस्ट है वो AFO के लिए है। EBC के लिए 29 पोस्ट है वो फायरमैन के लिए है और 1 पोस्ट है वो AFO के लिए है। SC के लिए अगर बात करें तो फायरमैन के लिए 92 पोस्ट है और AFO के लिए 4 पोस्ट है। ST की 69 पोस्ट है वो फायरमैन के लिए है, 3 पोस्ट है वो AFO के लिए है। TSP एरिया में टोटल 21 पोस्ट है, जिसमें से 19 पोस्ट है वो फायरमैन की है और 2 पोस्ट है वो AFO की है। तो टोटल की अगर बात करें तो 600 पोस्ट फायरमैन के लिए है और असिस्टेंट फायर ऑफिसर के लिए 29 पोस्ट है। यानी आपसे 629 पदों के लिए जो आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं वो आपसे क्या है, इस तरह से आपसे टोटल पोस्ट है वो आवेदन मांगे गए हैं। चलिए बात करते हैं कि इन पदों के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। या राजस्थान AFO एंड फायरमैन वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट फायर ऑफिसर के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? असिस्टेंट फायर ऑफिसर AFO के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी टीम में फायर ऑफिसर की यानी असिस्टेंट फायर ऑफिसर की डिग्री और ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने AFO की डिग्री प्राप्त कर रखी है ग्रेजुएशन में तो आप असिस्टेंट फायर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकोगे। इसके अलावा फायरमैन के लिए अगर बात करें तो फायरमैन के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 10वीं या फिर 12वीं पास और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 महीने की फायरमैन ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी आपको क्या है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या फिर 12वीं पास हो और साथ में आपके पास 6 महीने की जो फायरमैन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है और साथ में आपके पास देवनागरी लिखने समझने और बोलने का अगर आपके पास क्या है नॉलेज है तो इन चीज़ों के लिए आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकोगे। चलिए अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहेगी।
आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम आयु आपकी 18 वर्ष हो सकती है और मैक्सिमम आयु वो आपकी 40 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाती है सरकारी नियम के अनुसार, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। तो इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान फायरमैन वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज डेट की अगर बात करें तो 10 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। अगर बात करें राजस्थान फायरमैन एफओ के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग की तो 18 अगस्त से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें RSM SSB फायरमैन की जो आपकी वैकेंसी है उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो 16 सितंबर तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। एक बात और अगर चर्चा करें कि राजस्थान फायर ऑफिसर और राजस्थान फायरमैन की जो वैकेंसी है उसकी एग्जाम डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका एग्जाम है वो दिसंबर में कंडक्ट होने की अभी बात है वो बताई जा रही है, यानी चर्चा चल रही है कि आपका एग्जाम वो दिसंबर में आयोजित किया जाएगा इसके लिए। तो चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल क्रिमिलेयर OBC और MBC के लिए आपकी 450 रुपये फीस रखी गई है। राजस्थान नन क्रिमिलेयर BC और MBC के लिए 350 रुपये फीस रखी गई है। SC और ST कैटेगरी के लिए 250 रुपये फीस आपकी रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, या फिर नेट बैंकिंग या फिर ई मित्र के द्वारा आप अपनी फीस का भुगतान वो कर सकोगे। चलिए बात करते हैं RSM SSB फायरमैन एंड AFO सिलेक्शन प्रोसेस, यानी राजस्थान फायरमैन और असिस्टेंट फायर ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें आपको दो चरणों से गुजरना होगा। पहले आपका इसमें एक रिटर्न एग्जाम होगा जो आपका ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा। जब आप रिटर्न एग्जाम क्लियर करोगे तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब आप फिजिकल टेस्ट क्लियर करोगे तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद आपको क्या है इन सभी चीज़ों में अगर आप सही पाए जाते हो, पास करते हो, तो आपको फाइनल जो नियुक्ति है वो दे दी जाएगी। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं इसमें राजस्थान फायरमैन का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और राजस्थान असिस्टेंट फायर ऑफिसर का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो अभी ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न है वो अभी जारी नहीं किया गया है, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप उस पर क्लिक करके टाइम टू टाइम देख सकते हो इसकी लेटेस्ट अपडेट और इसका सिलेबस क्या होगा। तो परीक्षा आपकी ऑफलाइन आयोजित की जाएगी और इसमें आपकी क्या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर बात करें राजस्थान फायरमैन का आपका सिलेबस क्या रहेगा और राजस्थान असिस्टेंट फायर ऑफिसर का सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस के लिए आपको क्या थोड़ा और वेट करना होगा, यानी लगभग एक वीक के बाद आपका सिलेबस है वो जारी किया जाएगा। अभी तक ऑफिशियल जो सिलेबस है वो कहीं पर जारी नहीं किया गया है, तो इसके लिए आपको कहीं पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तब तक आप क्या है अभी तक तो फॉर्म भरने शुरू नहीं हुए, हो सकता है 18 अगस्त तक आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो जारी कर दिया जाए और राजस्थान फायरमैन की जो ऑफिशियल सिलेबस की जो PDF है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको चेक कर सकोगे। चलिए जब आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा और आप रिटर्न एग्जाम पास कर लोगे तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, तो बात करते हैं राजस्थान फायरमैन और असिस्टेंट फायर ऑफिसर का जो फिजिकल स्टैंडर्ड वो आपका क्या होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है वो कम से कम होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट आपकी हो सकती है। अगर बात करें हाइट ST कैंडिडेट के लिए तो आपके 160 सेंटीमीटर वो मेल जो कैंडिडेट है उनकी हो सकती है, ST के जो कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, और 152 सेंटीमीटर है वो आपकी फीमेल की होनी चाहिए कम से कम। वेट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट में कम से कम 50 किलो वेट होना चाहिए और फीमेल में 47.5 किलो आपका वजन है वो कम से कम होना चाहिए। ST की अगर बात करें तो 50 किलो वेट और फीमेल में होना सॉरी मेल में होना चाहिए और इसमें शायद 45 किलो होगा, ये आपका क्या यहाँ पे मिस प्रिंटिंग दिया हुआ है। चेस्ट की अगर बात करें तो 81 से 86 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है वो मेल कैंडिडेट की होनी चाहिए, यानी आपको 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है वो फुलाने भी है। ST कैंडिडेट के लिए अगर बात करें तो 76 से 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है वो हो सकती है। तो ये हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, ये आपका क्या है फॉलो करना है आपको। जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा तो इसमें आपकी ये कम से कम चीज़ें आपकी है वो होनी चाहिए। जब आपका फिजिकल हो जाएगा तो आपको फाइनल
जो ज्वाइनिंग दे दी जाएगी उसके बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी राजस्थान फायरमैन की सैलरी और राजस्थान असिस्टेंट फायर ऑफिसर की सैलरी आपकी क्या रहेगी। तो इसमें अगर बात करें असिस्टेंट फायर ऑफिसर की सैलरी और पे मैट्रिक लेवल 8 लगेगा इसमें, सीपीसी आपका 7 के अकॉर्डिंग। अगर बात करें फायरमैन की तो पे मैट्रिक लेवल आपका 4 लगेगा, सीपीसी आपका 7 रहेगा इसमें भी, यानी 7 के अकॉर्डिंग आपकी ये सैलरी है। इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म में बहुत जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी सी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि राजस्थान फायरमैन और असिस्टेंट फायर ऑफिसर की भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है, और साथ में हम डिस्कस किया कि RSM SSB फायरमैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, RSM SSB फायरमैन का आपका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।